देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत के वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। हे भगवान, हमसे क्या गुनाह हो गया? मैम, प्लीज हम सुधरना चाहते, शराब छोड़ना चाहते, मैम प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमें हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए मैम प्लीज। देखा अशोक, अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत हो जाएगी। हो जाएगी मैडम, हो गई है, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब? आइए। ऑल द आर करिश्मा। सॉरी मैडम। ये सब लोग यहाँ पर? ये सब एक नाटक था। ये नाटक करना बहुत जरूरी था अशोक, तुम्हें समझाना जरूरी था कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हश्र हो जाएगा। हाँ जी। हेलो जी, मैं इस नाटक का हिस्सा, रिपोर्टर सनी चड्डा। पापा। गरिमा, आपको माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब हम वादा करते आपसे हम शराब का कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। गरिमा, हम तुमसे वादा करते कि जब हम नशा मुक्ति केंद्र से वापस आएंगे ना, तो हम ये साबित कर देंगे कि हम एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं। और आप सबका धन्यवाद। मैडम जी, आज आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है इनकी शराब छुड़वा के, थैंक यू।
संतू जी फिर से लेट हो गए का हम? आज भी तू लेट ही आया। संतू जी का बताएं अभी बस वाला से इतना ज्यादा परेशान है ना, रोज रोज के दिन हम ना जनपद का टिकट लेते हैं, हम अंबेडकर तक का टिकट दे देते हैं। जनपद बीच में आता तो उतर क्यों नहीं जाता? नहीं संतू जी, हमको टिकट अंबेडकर तक का देता है ना, तो हम अगर जनपद उतर जाएंगे तो अंबेडकर तक का टिकट वेस्ट हो जाएगा ना संतू जी। अच्छा, और जो अंबेडकर से वापस जनपद का टिकट लेता है उसका क्या? अरे उसका मतलब हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए क्या संतू जी? सोच खुद सोच। पुष्पा जी आप भी अंबेडकर से आई हैं? फिर से लेट। हाँ तो लेट तो होंगे ही ना, तुम जानते हो ना करिश्मा मैडम को, गैस पर हमने तुअर की दाल चढ़ाई थी, हमने कहा 2 मिनट का सवाल है, बस एक कुकर की सीटी बाकी है, मगर नहीं, वो सुनती कहाँ है हमारी, बाइक उठा के निकली हेडक्वार्टर और हमें छोड़ दिया बसों के धक्के खाने के लिए, तो लेट तो होंगे ही ना। ओ माय गॉड पुष्पा जी, मतलब यहाँ पर तो आपका कुछ चलता नहीं है, अब धीरे धीरे ना घर पर से भी कंट्रोल छूटता जा रहा है, संभालिए इसको कंट्रोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पर डरती है हमसे। हाँ, उनका भौकाल खत्म हो जाएगा ना, वो सब छोड़ो ना, तुमको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? आपके हाथ का बनाया हुआ तुअर दाल ना करिश्मा मैडम को पसंद नहीं होगा, इसीलिए छोड़कर चली गई होंगी आपको। भक्त, हम मैडम सर के बारे में पूछ रहे, वो हमें क्या बताने वाली है? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थाना छोड़कर जाने वाली है? हाँ हो सकता है। जय हिंद, हम आप सबको ये बताना चाहते हैं। नहीं मैडम सर, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ नो मैडम सर, नो प्लीज मैडम सर, हम थाना छोड़कर क्यों जाएंगे? मतलब नहीं जा रही है ना आप? नहीं। शुक्र है भगवान का। एनीवेज, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने सारे थानों के लिए एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। संतोजी, ड्राइंग कंपटीशन कैसे आयोजित कर सकता है? रंगोली कंपटीशन होगा ना? तुम दोनों अपनी बकैती बंद करोगे? मैडम सर कुछ कह रही है ना? मैडम सर, हम कहें? कंपटीशन है बेस्ट थाना ऑफ लखनऊ। जी, जिस पुलिस थाने का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, उसे अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड के रूप में उस थाने का बजट बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनाम के रूप में नगद पैसे भी मिलेंगे, वो भी 5 लाख रुपए। एक मिनट, हम अभी कंपटीशन जीते नहीं है, हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे या बजट मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमारे महिला पुलिस थाने का नाम और ऊंचा होगा, वो सम्मान मिलेगा जो दूसरे पुलिस थानों को अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल सही मैडम सर, हमारे साथ साथ और भी महिला पुलिस थाने हैं, दूसरे थाने हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन डिपार्टमेंट की नज़र में सारे महिला पुलिस थाने अब भी बस छोटे मोटे घरेलू केसेस सुलझाने वाले एक सेकेंडरी थानों की कैटेगरी में आते हैं। वो ये नहीं जानते कि भले ही हम बड़े बड़े केसेस सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम उनकी जड़ों को साफ रखते हैं, जहाँ से वो पनपते हैं, उनका घर, उनका परिवार। इसीलिए ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम डिपार्टमेंट को ये एहसास दिला पाएंगे कि महिला पुलिस थाने की जरूरत और अहमियत क्या है। ऐसा ही होगा मैडम सर, ये कंपटीशन हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा बनाए रखिए। जी मैडम सर। अरे हम ही लोग जीतेंगे पुष्पा जी, गारंटी। यस मिस्टर बुलबुल पांडे, कहिए कैसे याद किया? अरे हम आपको क्या याद करेंगे, भूलने तो हमें हमारे ग्रह नहीं दे रहे। अरे घुमा फिरा के आप ही की कुंडली में ला के पटक देते हैं। अब देखिए ना, दोबारा हमें महिला पुलिस थाना का कुंडली में ला के पटक दिया है। देखिए बुलबुल पांडे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अरे वो पुलिस विभाग का छाता सीधा कर प्रतियोगिता। छाता सीधा कर प्रतियोगिता? अरे नहीं, वो तो हम अपने साले को कह रहे। अरे छाता सीधा कर धूप, हमने चेहरे पे आ रहा, हमने चेहरा कलिया ही नहीं छुड़ा। अरे तो चेहरे की लानत पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, जले हुए फटूरे रहेगा तो तू वही उठाएगी ना। काका ऐसा सर आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। सर मैडम फोन पे है। कंटिन्यू। अरे मैडम, हमने आपसे यही पूछने के लिए फोन किया है कि वो जो बेस्ट थाना प्रतियोगिता है उसमें आपके महिला पुलिस थाने वाले हिस्सा तो नहीं ना ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? अरे फिर तो बड़ा अनफेयर हो जाए। कैसे?
नहीं नहीं हमें आप ये बताइए कि प्रतियोगिता का शर्त कहाँ है? शर्त ये है ना कि जिस थाना का रिकॉर्ड में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा और जो केस पाया जाएगा वो छुलटा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा तो वही थाना प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा, है कि नहीं? सबसे कम केस यानी कि इलाके में अमन चैन, और अमन चैन यानी कि इलाके में एकदम चौकस कानून व्यवस्था, यही है ना प्रतियोगिता जीतने का आधार। हाँ तो अरे तो ये मैडम कि आप ठहरे महिला पुलिस थाने वाले, आपके पास टोका, सास बहू का झगड़ा, मियां बीवी का लफड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का टंटा वगैरह का केस आता होगा, वो भी थोक के भाव में, जो कि आप यूं यूं चुटकी बजा के निपटा देते होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा आपके पास। देखिए बुलबुल पांडे, सुनिए सुनिए, अब हम मेल पुलिस वाले मेन स्ट्रीम पुलिस थाना का हाई क्लास पुलिस ऑफिसर, सब कहा है कि हम बड़ा बड़ा केस सॉल्व करते हैं, हाई क्लास केस, हाई प्रोफाइल केस, हाई वोल्टेज केस। झूठा कहीं का, झूठा हो गया सर, झूठा। अब कैसे दे आपको, आप फोन पे रहिए ना सर, मैडम लाइन पे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब कहा है हसीना जी, हमको ये बड़ा बड़ा केस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है, सबका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है बाकायदा, वरना ये प्रेस और मीडिया वाले हमारा बक्कल उखाड़ देंगे ससुरे। तो मैडम ये इस तरह से तो महिला पुलिस थाने में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा वो केस सुलझा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो इस तरह से तो महिला पुलिस थाना विजेता कहलाएगा, तो ये तो हम एक नंबर पुलिस वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, है कि नहीं? विड्रॉ कर दीजिए आप अपना नाम। कायर टायर सर, टायर देखिए ना, टायर गाड़ी, गाड़ी में हवा कम है सर। और तुम्हारा दिमाग में हवा ज्यादा भर गया ससुरा, हम इज्जत से बात करना हमारे साथ हमको पसंद नहीं है, कह देते हैं। सर मैडम फोन पे है, आप कंटिन्यू कीजिए ना। बुलबुल पांडे अगर आपको लगता है कि ये कंपटीशन हम जीतने वाले हैं तो आपके इस भरोसे को हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात अनफेयर होने की, तो हमारा महिला पुलिस थाना केस सॉल्व करने में यकीन रखता है, केसेस गिनने में नहीं। इसलिए अगर आप अपनी केसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम करिए ना, आप भी हमारी तरह ना घरेलू केसेस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपके FIR रजिस्टर में केसेस की गिनती भी बढ़ जाएगी, और साथ साथ आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि घरेलू केसेस सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है जितना बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी उतना ही काम करना पड़ता है। बाकी हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जय हिंद। बदतमीज इंसान, जब तक दिन में दो चार बार मुंह पे बेइज्जती ना करा ले तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। सर ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो क्या? तो भाई हाँ। अरे संतू जी आ गए, संतू जी आइए, बैठिए बैठिए संतू जी। इसे आपको आते हुए देखकर इस सिचुएशन पर ना एक मशहूर शायर का एक मशहूर पंक्ति याद आ गया हमको। क्यों आगे का भूल गया क्या, एक ही पंक्ति क्यों याद आई? यार यार कितना बोलता है यार, इसके मुंह में कुछ डालो। ए रिच मानव है, ऐसा बोलते हैं कि एक पंक्ति याद आ गया, होता पूरा शेर ही है वो। और बीच में अगर तुम बोले ना कुछ भी बाबू, तो तुम्हारे सुनहरे बाल के बीच में से हाईवे निकाल देंगे। चुप करके बैठो तुम, शेर 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 पे फोकस करो। संतु जी संतु जी, हमको पंक्ति याद आया है कि अकेला ही चला था मैं जिंदगी का दही जमाने, अकेला ही चला था मैं जिंदगी में दही जमाने, आप बूंदी की तरह मिल गई हमें और हमारी जिंदगी का रायता बन गया। दर्द है, बहुत दर्द है। वाह 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 वाह, छी ए, इन्हीं हरकतों के वजह से तुम्हारा जो कुकर है गैस पे अभी तक चढ़ा हुआ है, एक भी सीटी नहीं लगी तुम्हारी दाल में। एक बार क्या बात, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, इधर देख वो आ रही है, मुक्का लात मुक्का लात मुक्का लात। जय हिंद मैडम, जय हिंद। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप? क्या लग रहे हैं हम? मैडम आप ना बिल्कुल वो वाली हीरोइन की तरह लग रही हैं। अरे वो हीरोइन जो है, क्या तो नाम है उसका, अरुणा ईरानी। उफ मासूमियत। संतु जी मतलब कहाँ अरुणा ईरानी, कहाँ करिश्मा मैडम, कोई तालमेल ही नहीं है। जब दो लोग का तुलना करते हैं तो कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है। आप तो दो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ उठाकर पटक दी, कितनी ज्यादा भोली हैं आप। जो भी हो मैडम, बहुत अच्छी लग रही हैं चश्मे आप पर। यस
सच में अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? ये पास का मॉल नहीं है, वहां से लिए हमने ये चश्मे। कितने के? 4,000। तो बाकी का किधर है मैडम? बाकी का कहाँ है? नहीं मैडम, आप बोलिए ना कि 4,000 का लिए। हाँ, 4,000 में तो 20-25 जोड़ी चश्मा जाता है ना 100-100 रुपए के हिसाब से। हम तो लिए है। तमाओ टोपा इंसान, इसका कीमत बता रहे हम, ये हमने 4,000 में लिया है, देखो इसको। क्या बात कर रही है, कौन बैंक लोन दिया? अरे इतने महंगे चश्मे, चश्मे बद्दू नाम से, और अपने बजट से बहुत दूर। संभालना भाई, संभालना। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही बोले, तुम्हारे पैसे का लिए है। तुम खरीद के दिए हमको ये, कायप में सीन डाल रहे हो बिना नाक के बैल की तरह। हाँ, पता है कितना भारी ड्यूटी है हमारा, सिर्फ कड़कती धूप में हमको भाग दौड़ करना पड़ता है, चटकता धूप हमारी आंखों में एकदम से पड़ता है, थकान महसूस होता है। अब ऐसी थकान में क्या खाक ड्यूटी करेंगे हम? हाँ, एकदम चौकस ड्यूटी करने के लिए ना चौकस फील करना पड़ता है, फिजिकली चौकस रहना पड़ता है। क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने ये लिया है, ताकि हम इसको पहन के एकदम कूल महसूस करें और कूल तरीका से ड्यूटी कर सके। संतु जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या? काका है। चश्मा? हाँ हाँ, चश्मा तो कहाँ हुआ पुष्पा जी, नया लिया। हाँ अच्छा ना? फिर से? अभी तो लिया था नया चश्मा 4 साल पहले, फिर से जरूरत आन पड़ी नए चश्मे की। कितने का है? 4। चाय चाय बनाओ। तो चाय लो 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 लो। 2,000 का है पुष्पा जी। हे भगवान, संभाल नहीं सकती हमें, गिर जाते तो? मैं दब जाती तो? और आप, इतना महंगा चश्मा? हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है हमारे साथ, इतना महंगा चश्मा? सुनिए ना पुष्पा जी, सुनिए, हमको अच्छा लगा हमने चश्मा ले लिया, ओवर एक्टिंग करके ना दिमाग का चूरन मत कीजिए। तो कभी तो कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो ना। ना सोच समझ के लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिंदगी नहीं जिया जाता है सोच समझ कर, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से भरपूर होना होता है। हाँ तो भरपूर जिंदगी जीने के लिए ना भरपूर पैसा भी चाहिए। गलत, पैसा नहीं चाहिए, भरपूर जिंदगी जीने के लिए भरपूर जिंदा दिली होना चाहिए, भरपूर दिमाग होना चाहिए, भरपूर दिल से होना चाहिए, भरपूर जज्बा होना चाहिए पुष्पा जी। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, आपको ग्रैंड सैल्यूट। और आप जो करना है करो, जो जी में आए वो करो, जितना पैसा खर्च करना है ना उतना पैसा खर्च करो। आज तक कभी हमारी कोई बात सुनी आपने? हाँ तो आज सुनेंगी, करो जो करना है करो, जितना पैसा खर्च कर। दोनों की सोच में सॉलिड फर्क है। अरे बिल्कुल सही बोले। वैसे मैडम 4,000 का 2,000 क्यों कहा आपने? संतो जी, संतो जी, देखिए मैडम 2,000 बताए तो पुष्पा जी का बैलेंस हिल गया, मैडम अगर 4,000 बता देती तो पुष्पा जी तो गुलाटी मारते हुए थाना के अंदर जाती ना, इसीलिए मैडम 2,000 बोली। करेक्ट मैडम। अच्छा तो मैडम ऐसे आ रही थी। जी मैडम, मैम प्लीज हेल्प मी, हमारी मदद कीजिए प्लीज। का एक 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 आराम से, आराम से, क्या हो गया? ओ जी हमारी मम्मी जी किडनैप हो गई हैं। हैं मां? बेवकूफ, बेवकूफ है वो किडनैपर मैडम, अनप्रोफेशनल, काम करने का तरीका ही नहीं पता उसे। अरे बेटे को किडनैप करके माँ से पैसे मांगने चाहिए, माँ को किडनैप करके बेटे से पैसे मांग रहा है, ये तो ऐसे पकड़ा जाएगा। कितना फिरौती मांग रहा है किडनैपर? जी 22,11,513 रुपए। क्या फिरौती मांग रहा है कि अपने बेटे के मुंडन का बिल मांग रहा है? नहीं, सर्विस टैक्स, जीएसटी, टीडीएस सब ऐड कर दिया। अरे हम खुद बहुत हैरान है भाई कि कोई भी किडनैपर इस तरीके का उल्टा पुल्टा कोई फिगर मांग करता है क्या? फेशियल कराना चाहिए किडनैपर को? नहीं, ये मैडम जी को, देखो ना कितनी थकी थकी लग रही है। देखो हमारा पार्लर है मैडम जी, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है, बताओ ना बाबू। अरे क्या बाबू बाबू, कहीं तो अपनी ये दुकान बंद रखा करो। सॉरी जी, एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और किडनैपर ने जो अमाउंट मांगा है ना वो एग्जैक्टली अमाउंट मेरे अकाउंट में है, और वही अमाउंट
मैंने अपनी गाड़ी लेने के लिए सेव रखा हुआ था। इसका मतलब ये जो किडनैपर है ना, ये आपका पूरा बैंक डिटेल जानता है। आपके पास आपके सास की फोटो है? हाँ 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 है। ये देखिए, ये मम्मी जी और ये मैं और ये बाबू। अरे वाह, क्या बात है, आपके पास फोन में अपनी सास की तस्वीर है, देखिए। अरे ये तो ऐसी फोन में पड़ी हुई थी, किसी फंक्शन की थी। आप देखिए। इस फोटो में आप दोनों तो काफी अच्छे, वेल ड्रेस्ड और वेल टू डू लग रहे हैं, लेकिन आपकी सासू माँ इस तरह से पुरानी सी साड़ी में क्यों है? अरे इसकी वजह भी मेरी सासू माँ ही है, क्योंकि उनको किसी भी एक चीज में ना एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की आदत नहीं। कितनी साड़ियाँ दिलवाई पर उन्होंने एक भी साड़ी ना पहनती नहीं है, सारी साड़ियाँ वो अलमारी में डाल देती है। और पहनती कौन सी साड़ी है? वो भी पुरानी वाली जो वो दहेज में लेकर आई थी। आपके? नहीं नहीं नहीं, मेरे दहेज में नहीं, अपने दहेज में। भाभी जी कंजूस है क्या वो? कंजूस? अरे पूरा कॉलेज खोल के रखी कंजूसी का। सब बोल दो, सब बोल दो। अरे बस भी करो। क्या बस करूं? हाँ उन्हीं की वजह से हम लोग बस में धक्के खाते हैं। आज तक एक भी स्कूटी लाके दी हमको? हाँ? फिरौती कहाँ पहुँचाने? जी वो तो उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन कह रहा था कि पैसे कब कहाँ पहुँचाने हैं ये वो बताएगा मिस कॉल देके। क्या मिस कॉल? हम चक्कर नहीं समझे ये वाला। जी मिस कॉल ही देते हैं, जब उन्हें हमसे बात करनी होती है वो मिस कॉल देते हैं, हम उन्हें कॉल बैक कर लेते हैं तभी बात हो पाती है। बताइए बताइए कितना चिंदी किडनैपर है ना, फिरौती मांगने के लिए मिस कॉल दे रहा। ओहो हो गरीब। मिस कॉल, ये उसी किडनैपर का ही फोन है। अच्छा ठीक है, आप कॉल बैक करिए और फोन स्पीकर पे रखिए। हेलो कौन? किडनैपर बोल रहे हैं। प्रणाम, कैसी हैं मैडम? प्रणाम भैया जी, हम ठीक है, आप कैसे? बस चल रहा है जी, जैसे तैसे। पैसे रेडी हैं? पैसा? हाँ 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 हाँ, रेडी है रेडी है। कहाँ लाना है वैसे? खंभा रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में, कल ठीक सुबह 11 बजे हम वहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। और मेहरबानी करके ये पुलिस वुलिस के लफड़े में मत पड़िएगा, सीधा सा डील है, पैसा दीजिए अम्मा ले जाइए, पुलिस क्या करेगी आपसदारी में, है ना? दूर रखिएगा पुलिस को, पैसे लेकर आइए, इंतजार कर रहे हैं हम। प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, घबराइए मत, हम आपकी सासू माँ को सही सलामत घर वापस लौटाएंगे। हम ये केस हमारी होनहार पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह को दे रहे हैं। वही किडनैपर की लोकेशन पर जाकर इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करेंगी। डोंट वरी, किडनैपर सलाखों के पीछे होगा और आपकी माताजी सही सलामत घर पे। थैंक यू सो मच मैडम। एब्रो बनवाइए वरना कल तक जुड़ जाएंगी। अरे हमारा पार्लर है ना, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है बाबू, बताओ ना। अरे क्या बताएंगे बाबू, मैडम जी वंस अगेन सॉरी। ठीक है चलो। यहीं आने वाले हैं ना वो लोग? हाँ जी। ठीक है तो फिर हम उनके आने से पहले छुप जाते हैं। चलो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.